जीवन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिहारी कबाब की रेसिपी। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जितना ये देखने में टेस्टी है उतना ही खाने में टेस्टी है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का दिल चाहेगा। बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे, यकीन मानिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी होता है। आप इसे बकरीद के मौके पर बनाकर ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए इस डिलीशियस कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 पाव के करीब मैंने लिया है गोश्त, ये बीफ है। इसे इस तरह पतला पतला कटवा लिया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। इसे मैंने अच्छी तरह से धोकर छलनी में रखकर इसका सारा पानी निकाल लिया है। इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। चलिए हम इसमें मसाले डालते हैं। मसालों में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून के करीब अदरक का पेस्ट, 3 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भर के पपीता का पेस्ट, 1 कप पिसा हुआ प्याज, 3 टेबलस्पून दही, 1.5 टेबलस्पून मैंने नमक लिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले लें, 1 टेबलस्पून भर के मैंने कबाब मसाला लिया है, 1 टेबलस्पून से थोड़ा ज़्यादा काली मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून भर के गरम मसाला। सभी मसालों को हम गोश्त में डाल देंगे। रेड चिली पाउडर आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे 1 कप, मस्टर्ड ऑयल 1/2 कप से थोड़ा ज़्यादा, सरसों का तेल। हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल कर अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। 5 से 6 घंटे के लिए हम इसे कवर करके छोड़ देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। एक प्याली में मैंने जला हुआ कोयला रखा है, इसके ऊपर हम डाल देंगे ऑयल या फिर बटर और इसे कवर कर देंगे 10 से 15 सेकंड के लिए, इससे ज़्यादा आप ना रखें। 15 सेकंड के बाद हम इसे हटा देंगे। अब हम इसको स्टिक में डालेंगे। स्टिक को मैंने 1 घंटे के लिए पानी में छोड़ दिया था, आप देख सकते हैं इस तरह से डालना है। इसे स्टिक में बना रही हूँ ताकि आपके पास अगर सीख ना हो तो आप स्टिक में आसानी से बना सकते हैं इस तरह से। कबाब को फ्राई करने के लिए मैंने रेडी कर लिया है इसे। कढ़ाई में मैंने डाला है 4 टेबलस्पून ऑयल। सारे कबाबों को हम इसमें फ्राई कर लेंगे। फ्लेम को हमें मीडियम रखना है, ज़्यादा हमें फ्राई नहीं करना है, बस लाइट ब्राउन होने तक हमें इसे पलट कर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। मैंने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं कितना टेस्टी लग रहा है, ये बहुत अच्छा कलर भी आ गया इसमें। अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो तैयार है हमारा टेस्टी कबाब, आप भी ट्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली के साथ। बकरीद आने वाली है तो बकरीद के मौके पर आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।